बांदा में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी शिक्षक भर्ती को लेकर हजारों छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी के कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की 17,000 शिक्षक भर्ती के बयान को जुमलेबाजी बताया और 97,000 भर्ती की जाने की मांग की। बांदा में ठंड और बारिश की आज हजारों संख्या में छात्र छात्राओं ने 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि सरकार जल्द से जल्द 97,000 भर्ती निकाले, अगर भर्ती नहीं तो वोट नहीं की गूंज भी सुनाई दी। छात्र छात्राओं का कहना था कि पिछले 5 साल से जो लोग टीईटी सीटीईटी तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य जुमलेबाजी की भेंट सरकार चढ़ा रही है। सरकार बताए कि हम किस क्षेत्र में जाएं। छात्रों का कहना है 2017, 2018, 2019 को मिलाकर 21 लाख से अधिक छात्र छात्राएं जो टेट और सीटेट पास हैं। योगी सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बाद 5,111 लोगों को हलफनामा लगा रखा है। इतने पद रिक्त हैं और 68,500 में से 23 पद इन्होंने असंवैधानिक तरीके से भर दिए। शेष पद अभी भी खाली हैं। साल 15,000 लोग रिटायर होते हैं पर भर्ती नहीं हो रही। हमारी मांगे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले रिक्त पदों की भर्ती की जाए, नहीं तो नौकरी नहीं तो वोट नहीं। पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती उसको वोट लेने का अधिकार नहीं है। निकलने के लिए ये 97,000 भर्ती को लेकर के हमारे ये पूरा जो समुदाय है ये एकत्रित हुआ है। मैं माननीय योगी जी का बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो इस सीएम के पद पे है, लेकिन आप ये बताइए अनवरत 5 साल से लोग लगे हुए हैं और मतलब कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसका कोई उद्देश्य है? अगर लोग डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य है कि नहीं, आप ये बताइए। कोई भी डिग्री डिप्लोमा कोई करता है तो कोई उद्देश्य है कि नहीं है? हमारा अगर टीचिंग के लोग लेकर हम कर रहे हैं तो ये बताइए हम किस अदर क्षेत्र में जाएं, बताइए। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, इनके पास तो अदर टैलेंट होना चाहिए ना, कुछ और भी कर सकते हैं। हम क्या करें अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हम टीचिंग के क्षेत्र में ही जाएंगे ना, बताइए आप। तो ये है मेरी मांग कि आप 97,000 भर्ती निकालिए और ये 17,000 का जुमला दिया जा रहा है ना, तुमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें 97,000 चाहिए और लेकर ही रहेंगे। आज बांदा के लगभग 200 से 250 सैकड़ा छात्र छात्राएं 97,000 शिक्षक भर्ती मांग को लेकर इस दमनकारी सरकार के खिलाफ आज डीएम कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। जिस सर्द मौसम के बीच ये प्रशासन के लोग जिनके कान में जू तक नहीं रेंग रही, उसी सर्द मौसम खुले आसमान के नीचे सभी छात्र छात्राएं जो बीटीसी के शिक्षा मित्र हैं, बीटीसी के छात्र छात्राएं, वो अपनी मांग को लेकर डीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। क्या मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे हमारी इतनी है कि 97,000 शिक्षक भर्ती को का विज्ञापन जारी किया जाए, नियमानुसार उनकी भर्ती की जाए। अगर फिर से सरकार जुमला पहनाने की कोशिश करेगी तो परिणाम बहुत ही भयावह होंगे। इसकी चेतावनी इस आंदोलन के माध्यम से हम दे रहे हैं।